आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं डोसा बनाने का एकदम सही सामग्री। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे डोसा की सारी सामग्री। ये हमने चना की दाल लिया है, ये है उड़द दाल, ये चावल है, ये हमने थोड़ा से लिया है चिवड़ा जिससे आप पोहा वोहा बनाते हैं, और यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है। ये हमने सारी सामग्री लिया है सही मायने में डोसा बनाने का। ये हमने एक कटोरी लिया है चावल, इस कटोरी के बराबर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने घर के हिसाब से बनाने के हिसाब से। ये मैंने चावल एक कटोरी, एकदम नॉर्मल चावल है जो हम डेली यूज करते हैं। और ये मेरी उड़द की दाल है, एकदम बढ़िया से हमने ये छिलके वाली दाल लिया है, इसको मैंने भिगो दिया था, बढ़िया से धो के एकदम छिलके इसके निकाल दिया है, ये एकदम सही तरीके में फिट है। ये चना दाल लिया मैंने 3 चम्मच, ये हमारी उड़द दाल चना दाल 3 चम्मच, 3-3 चम्मच है। ये मैंने जो चूरा लिया है ये भी 2 चम्मच के बराबर, 3 चम्मच के बराबर है। और यहाँ जो ये मैंने मेथी दाना लिया है हाफ कप कप, ये हाफ चम्मच जो है 1 चम्मच है। तो सही मायने में ये डोसा बनाने का एकदम सही सामग्री है। चावल को हमने बढ़िया से धो लिया है, बढ़िया 3-4 पानी से, एकदम साफ पानी बढ़िया जब निकलने लगा है तब हमने इसको पानी भर के बढ़िया भिगोने के लिए चावल को रख दिया है। इसी तरह हमने सारी दालों को, ये मेथी दाना सभी को बढ़िया से धो के एकदम फिट कर लिया है। इसमें भी पानी भर के हमने लगभग हाफ हाफ ऐसे ऐसे पानी भर के रख दिया था, ये भी सब बढ़िया से फूल गई हैं। कल लगभग 6 घंटे के लिए मैंने धो के सभी चीज़ों को रखा था और ये बढ़िया से सब फूल गया है। मैंने यहाँ पर जो ये चूरा लिया है इसको मैंने नहीं धोया है, ये हम जब पेस्ट बनाएंगे डायरेक्टली इसको धोएंगे तभी इसका पेस्ट बनाएंगे इस डाल के इसमें। तो ये रहा हमारा सही तरीका डोसा बनाने का, ये हमारी सामग्री है। चलते हैं अब। ये हमने जार लिया है, जार में हम चावल डालेंगे। इसमें जो है हम फ्रिज का पानी लेंगे, थोड़ा ठंडा पानी, इससे क्या होता है ना हमारा पेस्ट पीला नहीं पड़ता है, बढ़िया सफ़ेद एकदम बना रहता है। तो हम यहाँ पर हम ठंडा पानी डाल के यूज करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे चावल का। ये देखिए हमने जार में डाल लिया है। यहाँ पर जो हमने चूरा लिया था इसको मैंने 2-3 पानी से भी धो लिया है, अब इसी चावल में हम इसको डाल देंगे, अब इसका पेस्ट बनाएंगे। ये हमने ठंडा पानी लिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम पीसेंगे, इसका बढ़िया स्मूथ पेस्ट बनाना है। चावल को हमने हल्का पीस लिया है, ये बन गया पेस्ट, अब इसी में हम डालेंगे उड़द का दाल। इससे क्या होगा सब साथ में पीस जाएगा तो बहुत अच्छा पेस्ट बनेगा। चना की दाल डाल रहे हैं, यहाँ पर हम डाल रहे हैं मेथी दाना। अभी सभी चीज़ों को बढ़िया से पीस लेंगे। ये हमारा देखिए पेस्ट रेडी हो चुका है, ये बहुत बढ़िया एकदम स्मूथ पेस्ट बना है। अगर आपके पेस्ट में थोड़ा भी दरदरा रहे तो उसको क्या करिए, एक छन्नी लीजिए और उसको बढ़िया से छान लीजिए पेस्ट को, ताकि इसमें एक भी कण ना रहे। पेस्ट हमारा बहुत बढ़िया रेडी हो चुका है। देखिए आप इसको जब बनाना हो तभी इसमें नमक डालिए, तभी इसमें खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर आप जो पसंद करते हैं एक चुटकी के बराबर लीजिए, और नमक स्वाद के अनुसार लीजिए। पेस्ट निकालिए अलग से, आपको हमको आपको जितना बनाना हो उतना पेस्ट लीजिए और उसमें मिला के सब बना लीजिए। ये पेस्ट आप स्टोर करके फ्रिज में 4-5 दिन के लिए रख सकते हैं, जितना आपको यूज करना हो उसको आप बाहर कटोरे में बढ़िया या बाउल में बढ़िया निकाल लीजिए, उसमें अपने पसंद की सामग्री मिला के बढ़िया डोसा बना सकते हैं। ये डोसा बनाने का तरीका मैंने पेस्ट का बताया है, आपको अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।
हम आपको एक ज़रूरी पॉइंट बताना चाहते हैं। जैसे कि आपने पेस्ट बना लिया, ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, अभी ये बनाने के लिए रेडी डोसा नहीं है, क्योंकि अभी इसमें हम पानी मिलाएंगे, तब इसको थोड़ा फेंटेंगे, थोड़ा ये गीला होगा तभी इसका डोसा बनेगा। तो आप क्या करिए, आपको ऐसे पेस्ट बना के रख देना है इसको 5-6 घंटे के लिए, ऐसे ढक्कन से ढक दीजिए, एक टॉवल लीजिए और उसको बढ़िया ऐसे कवर कर दीजिए, और फिर इसको 5-6 घंटे के लिए आप एक गर्म जगह पर रख सकते हैं। और फिर इसके बाद में आप इसको जब खोलेंगे तो बहुत स्मूथ एक फूला हुआ दिखाई देगा आपको, बहुत एकदम, ये इतना है, ये जब 5-6 घंटे के लिए रखा जाएगा तो ये फूल के कम से कम इतना आ जाएगा। तो क्या होगा, इसका बहुत अच्छा डोसा बनेगा। तब आप इसमें थोड़ा से पानी मिला के इसका बढ़िया पेस्ट ऐसे बना लीजिए, अलग से जितना आपको यूज करना है उसमें नमक भी मिला लीजिए, बेकिंग पाउडर भी मिला लीजिए, और तब इसका डोसा बनाइए। ये एकदम सही तरीका है। और एक तरीका मैंने और बताया है, वो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने दो तरीका बता दिया है।